जी, और इस फिल्म में आप किस तरह के गाने को गा रही हैं? इसमें जो है एक जो हीरोइन है वो कृष्णा से मतलब अपने मन की बात कह रही है, कृष्ण भगवान से, तो यू कैन कॉल इट अ डिवोशनल सॉन्ग। और फिल्म का टाइटल है हसीन, जिसमें कि शिक्षा के ऊपर है, कि मतलब एजुकेशन के ऊपर, कि जब एजुकेटेड नहीं होता इंसान तो उसे क्या प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली दिस फीमेल गेट्स ट्रैप्ड एंड उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, तो वो प्रॉब्लम्स के बाद वो कृष्ण को बुलाती है, भगवान को, अपनी रखवाली के लिए। तो बेसिकली ये फिल्म फीमेल बेस्ड फिल्म मान सकते हैं हम इसको? फीमेल बेस्ड है एंड फीमेल एजुकेशन बेस्ड है। तो इस फिल्म का जैसा कि टाइटल है हसीन जी, आप कह रही हैं कि फिल्म इसमें फिल्म में फीमेल ट्रेवल कर रही हैं प्रॉब्लम्स और परेशानियों से जूझ रही हैं। तो हसीन लड़की है तो प्रॉब्लम तो फेस करेंगी। ओके, मतलब आप लड़कियों को हसीन बता रही हैं इस फिल्म में, कि एक हसीन लड़की है जो कि ट्रेवल कर रही है, जो परेशानियों से जूझ रही है। हाँ, मतलब उससे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग हसीन, बिकॉज ऑफ हर बीइंग अनएजुकेटेड। तो फिल्म में जो सॉन्ग है जो आप गा रही हैं जी, उस सॉन्ग सॉन्ग के बोल क्या हैं? आई जस्ट गॉट द स्क्रिप्ट, इट इज कृष्णा हो कृष्णा, तुम हो कहाँ, बनवारी गिरधारी, बाके बिहारी, मेरे कृष्णा। तो अभी मैंने ट्यून, आई एम जस्ट लिसनिंग टू इट, और एस पी सेन दादा ने इसका कंपोज किया है, के सुरेश जी हैं जो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी फिल्म है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सुरेश जी। तो मैं आशा करती हूँ कि उनके जो एजुकेशन को लेके जो जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत अच्छा है, तो पीपल विल लाइक इट एंड अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बात करूँ हसीन से हट के जी, कि आप और कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रही हैं जिसमें आप आपको सुनने का मौका मिलेगा? प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी हो रहे हैं, लाइक एडिट, अब देखिए फिल्म्स के नाम में अभी किसी का प्रोडक्शन वन रहता है, किसी का प्रोडक्शन टू रहेगा, बट अभी किए मैंने कुछ हिंदी फिल्म्स के लिए भी किए हैं एंड लॉट ऑफ, अभी एक हाल ही में विराट वीर मराठा जो फिल्म आई है, मराठी फिल्म, महाराष्ट्र मराठी फिल्म आई है, जिसके मैंने अभी पोस्टर देखे, उसमें एक गाना है मेरा, और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, आई कांट डिस्क्लोज देम, वन गज़ल प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, सो सून यू विल हियर माई गज़ल एल्बम। और बाकी जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि आप गज़ल भी गाते जी हैं, तो गज़ल को लोग कहीं ना कहीं अब भूल रहे हैं, जो यंग जनरेशन है उसको सुनते नहीं हैं जी। रिसेंटली अभी मान लीजिए अगर पंकज उदास जी हो गए या फिर रूप कुमार राठौर जी हो गए, इस ये लोग गज़ल को लाते रहते हैं मार्केट में, लेकिन पब्लिक उतना कैच नहीं करती, क्या वजह है जो गज़ल को लोग भूलते जा रहे हैं? गज़ल के अंदर जो है ना शायरी बहुत डीप है, तो अब उस डेप्थ को समझने के लिए एक उम्र का तकाजा भी चाहिए, कोई एकदम यंग लड़का या लड़की एकदम से उस डेप्थ को ना भी पकड़ पाए, तो उनको वो बीट अच्छा लगता है, मतलब एंड दे एंजॉय द बीट एंड द ग्रूव, तो वो ज़रूरी नहीं कि उतनी डेप्थ ऑफ लिरिक्स वो समझ पाए, और स्पेशली पहले तो समझ पाते थे, पर आज की यूथ जो है उतना सॉरी आज की यूथ जो है ना वो दे वॉन्ट क्विक, यू नो मस्त
2 घंटे का एंजॉय किए, दे डोंट गो दैट डीप, तो शायद इस वजह से वो नहीं एंजॉय करते हैं. बट ऐसा नहीं है, हम उनको अच्छी चीज़ परोसेंगे तो डेफिनेटली दे विल लाइक इट. और डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया लोग बहुत एंजॉय करते हैं. जो हमारी मतलब मैं अभी जैसा मेरा कनाडा ट्रिप भी था, तो मैंने देखा कि हम जितना अपनी संस्कृति को यहाँ नहीं फॉलो करते उससे ज़्यादा वहाँ फॉलो किया जाता है एकदम प्रॉपरली. आउटसाइड इंडिया पीपल फॉलो इट मोर रिलीजियसली, मोर इन अ बेटर वे दैन वॉट वी डू इन इंडिया. वी आर ट्राइंग टू कॉपी वेस्ट एंड पीपल आउट देयर द एनआरआईज इन आउटसाइड इंडिया वो इंडिया को भूलना नहीं चाहते हैं. तो हमारी हमारी जो धरोहर, हम ऐसा नहीं कहते, आई डू सिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स ऑल्सो. आई मतलब मैं रॉक स्कूल, मैंने 7th grade तक पहुँच गई हूँ. ऐसा नहीं कि आई डोंट सिंग दैट, आई एंजॉय सिंगिंग दैट म्यूज़िक. दो डजेंट हैव एनी लैंग्वेज, म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज नहीं होता, एनी म्यूज़िक इज़ एन्जॉयबल. तो बट दे आर डिफरेंट वेज ऑफ म्यूज़िक, सो किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. जो लिसनर्स हैं, दीपावली भी आ रहा है, क्या विश करना चाहेंगे? दीपावली आ रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि दीपावली का जो मैसेज है, अंधेरा मतलब दिया दैट इज लाइट, सो फिल योर लाइफ्स विद पॉजिटिविटी. और म्यूजिक से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ कुछ होती नहीं है. सो लेट एनलाइटन योर लाइफ्स विद म्यूजिक एंड ऑल द पॉजिटिविटी. हैप्पी दिवाली टू ऑल. तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू हैप्पी हैप्पी दिवाली. एंड ये दिवाली के अवसर पे मैं के सुरेश जी, हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इनके इनका एक गाना गाने आई हूँ. दैट्स वेरी सेंसुअस टाइप ऑफ सॉन्ग एंड इट्स यू नो समथिंग वेस्टर्न. एंड द हीरोइन इज इन अ ट्रैप वेयर जस्ट शी इज कैप एंड वो क्या कर रही हैं, एक क्लब में गाना गा रही हैं. एंड शी नोज के गाने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, एवरीथिंग. दैट मीन्स एक सीड्यूसिंग टाइप ऑफ का एक सॉन्ग है एंड इट्स अ वेरी सेंसुअस टाइप ऑफ सॉन्ग टू. बेसिकली ये एक पार्टी सॉन्ग हम बोल सकते हैं इसको. तो आपने बोल पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है. तो, देखो ना जरा. खैर, इन्होंने तो बोल पढ़ के सुना है. मैं चाहूंगा कि अगर आप दो लाइन गा के सुनाएं तो हमारे लिए. हाँ, एक्चुअली मैं गा के मैं सुनाना चाहती हूँ. बट अभी मैं आप लोगों के सामने ये गाना अगर गा के अगर बता दूंगी तो इसका जो सेंसेस जो एक स्टैंड पॉइंट है वो शायद कम हो जाएगा. इसलिए मैं इन द नेक्स्ट टाइम आई विल. अगर आप गाना चाहें तो एक लाइन गा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम तो नहीं है, बट के सुरेश जी अगर चाहते हैं तो मैं एक लाइन हमेशा से चाहते हैं. बट ये सॉन्ग मैंने अभी गाया नहीं है, जस्ट आई एम गोइंग टू सिंग. तो इसका कुछ इस तरीके का से है. देखो ना जरा, ठहरो ना जरा, इस टाइप का है. और आई एम जस्ट गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग मोर नाइसली एंड मोर विथ मोर प्रिपरेशन. तो हसीन फिल्म में ये हसीन सॉन्ग गाने के बाद आप कुछ और वैसे तो आपके एक दो गाने शायद आ चुके हैं. हाँ, तो अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? और अभी मेरे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है मूवीज़, जैसे 8-9 मूवीज़ जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है. इट्स जस्ट वेटिंग टू रिलीज. सबसे पहले आई थिंक लव शप प्यार व्यार आ रहा है, जिसमें सबसे स्टैंड पॉइंट ये है कि उसमें लव जुंजुआ का एक सॉन्ग है जो हमारे दुनिया में नहीं रहा. तो हम मैं आई एम सो मच बहुत मैं दुखी हूँ. उस मूवी में उनका एक सॉन्ग है और मैंने जो मेरा सॉन्ग उसमें जो है वो मैंने कुणाल गांजावाला के साथ मैंने जो एक सॉन्ग गाया, इट्स अ वेरी सेंसस टाइप ऑफ सॉन्ग. दैट्स ऑल्सो वो बिल्कुल एक इंडोर सॉन्ग है एंड इट्स अ वेरी सेंसस टाइप ऑफ सॉन्ग. इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. तो और इट्स इस मूवी का जो है बिल्कुल पूरा टीम, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. हमारे के सुरेश जी डायरेक्टर, एस पी सेन जी म्यूजिक डायरेक्टर, कमरुद्दीन जी हैं लिरिक्स राइटर एंड वी ऑल होप इट विल रॉक. थैंक यू वेरी मच. चलते हैं हम के सुरेश जी के पास. के सुरेश जी, देखिए ये फिल्म का शेड्यूल हमारा है, 1st week of December से हम शूट पर जाएंगे एंड वी ट्राई टू इट. Is God with us on 21st of April?
के सुरेश जी, जैसा कि आपके फिल्म में उदित जी जैसे सिंगर भी गा चुके हैं, जी हाँ, के लिए हम लास्ट टाइम भी इंटरव्यू करने, जी हाँ जी हाँ, और अभी इंद्रानी जी और पमीला जी, ये सब सारी अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो बॉलीवुड में हैं, चुनिंदा सिंगर हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या फिल्म और सिंगिंग से फिल्म को क्या सपोर्ट मिलेगा? बिकॉज इन टाइप ऑफ माई स्टोरी इट विल बी ऑल्सो डिपेंड ऑन एंटायर म्यूजिकली, म्यूजिकली 100% हिट होगी। तो चलते चलते एक लास्ट चीज हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि इस फिल्म में ऐसी क्या यूएसपी होगी जिस वजह से दर्शक थिएटर तक फिल्म को देखने? देखिए, इस फिल्म में आज के दर्शकों को, जो यंग जनरेशन है, वो ग्लैमर से ज्यादा प्यार करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। इस फिल्म को उसी आधार पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है कि आज भी खूबसूरती जहाँ बहुत अच्छी लगती है वो तकलीफ का सबब भी बन जाती है। खूबसूरत लड़की अगर अनक्वालिफाइड, उसे नाम लिखना नहीं आता और फ़ोन करना भी नहीं आता, 1, 2, 3 भी नहीं आता, तो उस हालत में उसके बाद क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। इसलिए इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस सब ध्यान दे कि जिस तरह मोदी साहब ने शौचालय की मुहिम चलाई है, तो पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा हमारा देश आगे तरक्की करेगा। सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। के सुरेश।